नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे पुडलिंग फर्नेस के बारे में। जो पुडलिंग फर्नेस है वो हमारी किस काम आती है और इसके थ्रू हम क्या करते हैं। तो जो पुडलिंग फर्नेस है इसका यूज किया जाता है रोट आयरन को बनाने के लिए। रोट आयरन क्या है? एक बहुत ही शुद्ध किस्म का आयरन होता है जिसके अंदर लगभग 99.8% आयरन की जो क्वांटिटी होती है। और जो रोट आयरन होता है ये काफी डक्टाइल भी होता है और काफी मेलिएबल भी होता है। डक्टाइल यानी कि हम इसकी खींच के तारे बना सकते हैं, मेलिएबल यानी कि हम इसको पीट के आसानी से चादरें भी बना सकते हैं। इसको आसानी से फोर्ज किया जा सकता है, आसानी से वेल्ड भी किया जा सकता है। तो काफी अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके थ्रू हम नट बोल्ट्स बना सकते हैं, कीले बना सकते हैं, काफी तरह की चीजें हम इसे बना सकते हैं। तो रोट आयरन बनाने के लिए हमें पडलिंग फर्नेस का यूज करना है और इसके अंदर जो हमें यूज करना है, जो हमारा रॉ मटेरियल यूज होगा रोट आयरन को बनाने के लिए, वो यूज होगा पिग आयरन प्लस व्हाइट कास्ट आयरन। तो इन दोनों चीजों का मिक्सचर हम लेंगे, पिग आयरन और कुछ जो व्हाइट कास्ट आयरन है, इन दोनों को चून जो इनका हम चूरा कर लेंगे और इनका मिक्सचर लेके हम इसके अंदर फर्नेस के अंदर लेते हैं। फिर उसको हीट करके उसको पिघलाते हैं, उसकी अशुद्धियों को दूर करते हैं और फिर हम उसको रोट आयरन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं ये कैसे होता है। पुडलिंग फर्नेस के अंदर हमारा जो फ्यूल बर्न होता है वो अलग जगह बर्न होता है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता जो हमारा पिग आयरन प्लस जो कास्ट आयरन का मिक्सचर है उसके साथ। जैसे कि हमने क्यूपोला फर्नेस के अंदर पढ़ा था कि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता था, परत वाइज कोयला और फिर उसके अंदर आयरन और फिर उसके अंदर लाइमस्टोन मिला देते थे। लेकिन पुडलिंग फर्नेस के अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर अलग रखा जाता है जो फ्यूल बर्न होता है और फिर उसकी हॉट गैसेस का यूज करके हम इस मिक्सचर को पिघलाते हैं। तो वो देखते हैं कैसे। तो इस तरह की पुडलिंग फर्नेस हमारी होती है। इसके अंदर देखिए, यहाँ पे ये है हमारा ग्रेट सरफेस, ये ग्रेट सरफेस है। ग्रेट सरफेस क्या होता है? जिसके ऊपर आप फ्यूल को रख के बर्न करते हैं। मान लीजिए अगर आप कोयला लेते हैं तो कोयला आप यहाँ रख के बर्न करेंगे और जब वो ऐश के अंदर कन्वर्ट होता है तो जो ऐश है वो नीचे यहाँ पे कलेक्ट होती रहती है। तो ये ऐश कलेक्शन चैम्बर है, यहाँ पे जो राख है वो इकट्ठी होती है, फिर हम उसको बाद में बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारा फ्यूल है उसको सप्लाई किया जाता है और यहाँ पे रख के उसको बर्न किया जाता है। तो बर्न होने के बाद इसके अंदर से हॉट गैसेस निकलती हैं। तो हॉट गैसेस जो निकलती हैं, यहाँ पे देखिए जो रूफ है ये इनको डिफ्लेक्ट करती है नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखिए ये है हर्थ, इसको हम हर्थ बोलते हैं। ये हर्थ जो है, जैसा कि इसको नाम दिया गया है पुडलिंग, पुडलिंग का मतलब क्या है? एक तरह का लिक्विड पूल, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पिग आयरन प्लस जो कास्ट आयरन का मिक्सचर है वो यहाँ पे बर्न जो हमारा पिंगल के एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो एक तरह का पूल बन जाएगा, तो इसलिए इसको पुडलिंग भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे इस तरह का देखिए ये हर्थ चैम्बर है। यहाँ पे जो हमारा रॉ मटेरियल है जो हमने यूज करना है रोट आयरन के लिए बनाने के लिए, तो ये पिग आयरन जो हमारा है प्लस जो है हमारा व्हाइट कास्ट आयरन, इसका मिक्सचर हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे ये पुडलिंग डोर दिया गया है, इसके थ्रू हम जो हमारा मिक्सचर है वो सप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो हॉट गैसेस है रूफ से टकराती हैं और इसके कॉन्टेक्ट में आती है, जो हमारा ये मिक्सचर है जो पिग आयरन प्लस व्हाइट कास्ट आयरन का मिक्सचर है। तो यहाँ पे जब इसके कॉन्टेक्ट में आती है, ये इसको गर्म करती है और इसको पिघलाती है। पिघलाने के साथ साथ हम इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस को भी मिलाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हमारे पास होता है हेमेटाइट, एक तो होता है हेमेटाइट आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं ऑक्साइड ऑफ आयरन भी आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है इसके अंदर, ताकि जो इसके अंदर की इम्प्योरिटीज हैं आप उनको बाहर निकाल सकें। तो इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है वो हमारी कार्बोनिक एसिड गैस बन जाती है और जो सिलिकॉन होता है वो सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में ऊपर तैरने लगता है और नीचे सारा ये जो मेल्ट हो जाता है जो हमारा मिक्सचर था, और ये स्पंजी लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, स्पंजी लाइक फॉर्म में, और इसकी छोटी छोटी बाल्स भी बन जाती हैं जिनको हम पुडल बाल बोलते हैं। उसके बाद ये जो गैसेस हैं ये इस चिमनी के थ्रू, यहाँ पे है हमारी चिमनी।
तो इस चिमनी के थ्रू ये बाहर चली जाती हैं, तो अपना वर्क करके ये बाहर चली जाती हैं, और यहाँ पे स्पंजी लाइक जो बोल्स हैं वो हमें मिलती हैं, जो स्लैग है वो ऊपर तैरता है, जो अशुद्धियां हैं वो ऊपर तैरती हैं, उनको हम अलग निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और जो प्योर आयरन है हमारा पिंगल के बचा है बिना अशुद्धियों के, उसको हम अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें स्पंजी लाइक फोम भी मिल सकती है और बोल्स लाइक फोम भी मिल सकते हैं, छोटी छोटी बोल्स होती हैं जो उनके उनकी तरह के फोम भी हमें यहाँ मिल सकती है, जिसको हम पुडलिंग बोल्स भी बोलते हैं या पडल बोल्स बोलते हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे हमें मिल जाता है आयरन, उसको हम अलग करके और इंप्यूरिटीजों को अलग कर लेते हैं। अब जो स्पंजी बोल्स होते हैं, इनको अगर छोटी बहुत जो इसके अंदर थोड़ी बहुत जो भी इसके अंदर और अशुद्धियां रहती हैं, उनको हम हैमरिंग करके भी, इनके ऊपर हैमरिंग करके उनके अंदर से उन अशुद्धियों को भी दूर किया जा सकता है, लेकिन उस प्रोसेस को हम शिंगलिंग प्रोसेस बोलते हैं, वो उसके आगे होती है। तो पुडलिंग प्रोसेस के अंदर इतना प्रोसेस होता है कि जो फ्यूल है वो बर्न होगा, उससे हॉट गैसेस निकलेंगी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है तो हॉट गैसेस आएंगी तो इसके साथ कॉन्टैक्ट करेंगी, इसको पिघलाएंगी, इसके अशुद्धियां ऊपर स्लैग के रूप में तैरेंगे, उनको अलग कर लेंगे, और जो आयरन है स्पंजी फॉर्म में पिंगल कर आ जाएगा, छोटी छोटी बोल्स के फॉर्म में आ सकता है, और उसको हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम पुडलिंग फर्नेस का यूज करते हैं और जो हॉट गैसेस हैं वो चिमनी के थ्रू बाहर चली जाती हैं। तो ये थी हमारी पुडलिंग फर्नेस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।